Hello and welcome student. This is Arif sir. Today I am going to teach MCV of class 5. This is our second chapter and the chapter name the friendship. Okay. In this chapter we will understand about the two new friends. First is Tilak and second is Sudhir. इस चैप्टर में दो नए फ्रेंड के बारे में जानेंगे समझेंगे इसमें फर्स्ट का नाम क्या है तिलक है और दूसरा फ्रेंड है सुधीर ओके इन दिस पैराग्राफ देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स आई हैव रिटन विद हिंदी मीनिंग ऑन द बोर्ड ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीस वर्ड मीनिंग्स देन आई विल टीच द चैप्टर ओके द फर्स्ट वर्ड इज सुक दैट मींस हिलाया शेक मतलब हिलाना होता है सुक मींस हिलाया ओके उसका पास्ट फॉर्म है नियर बाय मींस नजदीकी स्कीपर कैप्टन यानी कप्तान को हम लोग क्या बोलते हैं स्कीपर बोलते हैं इस चैप्टर में स्कीपर बोला गया ग्लैड मींस खुशी विजिट मींस मिलना फ्रैक्चर दैट मींस टूटा ब्रोक ओके लॉनली मींस अकेलापन और ले मींस लेटना ओके नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर द फ्रेंडशिप तिलक एंड सुधीर हैव वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी एंड इंटरेस्टेड Guess what Tilak, his mother said. Tilak और सुधीर दो अलग अलग पर्सनालिटी के लोग थे अलग अलग पर्सनालिटी मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट थोड़े बहुत अपोजिट थे यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं था तिलक और सुधीर में कॉमन कुछ नहीं था उस टाइप के वो फ्रेंड थे इसके बारे में लोग पढ़ते हैं ओके Guess what Tilak, his mother said a week after they had moved into their new house. I have discovered that one of my old friend live nearby and Her son is your classmate. His name is Sudhir. Said, she added, "Do you know him?" Tilak. इसमें क्या है पहले तिलक के बारे में बताएगा कि तिलक अपनी फैमिली के साथ अपने नए घर में आता है कुछ सप्ते पहले कुछ वीक पहले वो अपनी फैमिली के साथ नए घर में आ गया है रहने के लिए तो उसकी माँ आती है तिलक के पास और बोलती है कि तिलक जहां पर हम लोग रह रहे हैं वहां पर मुझे पता चला है मैंने देखा कि मेरी एक फ्रेंड यानी तिलक की मदर के फ्रेंड वहां पर उसकी नियर बाय यानी उसकी नजदीकी एरिया में रहती है मैंने पास में ही वो रहती है तिलक की माँ बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो हमारे नए घर के पास में ही रहती है जिस घर में हम लोग अभी आए हुए यानी एक हफ्ते पहले दो हफ्ते पहले वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे ओके तिलक और उसकी फैमिली तो उसकी माँ बोलती है कि मेरी फ्रेंड रहती है यहीं पर पास में ही रहती है और मुझे ये मालूम चला है कि जो मेरी फ्रेंड का एक बेटा है जिसका नाम क्या है सुधीर है वो तुम्हारे स्कूल का क्लास यानी तुम्हारा क्लासमेट है किसका क्लासमेट है तिलक का क्लासमेट है तो उसकी माँ पूछती है तिलक की माँ तिलक से ही बोलती है ये सब बात कि मेरा मेरे फ्रेंड का बेटा तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है तुम्हारा क्लासमेट है क्या तुम उसे जानते हो उसका नाम सुधीर है ओके तिलक शुक हिज हेड सुधीर दैट वाज इजंट गुड एट गेम और एनीथिंग ही कीप्स रीडिंग Some old books all time. Tilak was the skipper of the school cricket team and was good at football, hockey and gymnastics as well. Tilak अपना हेड को क्या किया? शुक किया, यानी कि हिलाया, ओके? अपने हेड को हिलाया, बोला कि हाँ, सुधीर तो मेरे ही क्लास का लड़का है, वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, ना वो गेम में अच्छा है, ना वो पढ़ाई में अच्छा है। वो सिर्फ एक पुरानी स्टोरी के बुक को हमेशा पढ़ते रहता है तिलक बताता अपनी माँ को किसके बारे में सुधीर के बारे में सुधीर अच्छा लड़का नहीं है यानी वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है ना ही कोई गेम में अच्छा है और तिलक क्या था तिलक अपने स्कूल के गेम का यानी फुटबॉल टीम का या क्रिकेट टीम का स्कीपर था यानी कैप्टन था तिलक क्या था अपने टीम का कैप्टन था क्रिकेट टीम का और तिलक फुटबॉल में भी क्या था बहुत अच्छा प्लेयर था Well, we have invited his parents to tea. Of course, he will come to, said his mother. उसकी माँ अपनी फ्रेंड के बारे में बोलती है कि मैंने सुधीर की फैमिली को अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया है शाम में टी पर चाय पीने के लिए वो लोग आएंगे और मुझे यकीन है कि वो लोग आएंगे जब वो लोग आते हैं यानी सुधीर की मम्मी आती है सुधीर की माँ आती है तिलक के घर पे तो क्या होता है When Sudhir's family came, Tilak took Sudhir to his room while there. Parents talked in the drawing room. The troop was did not have much to say to each other. Tilak knew Sudhir was not good at game and not too bothers to find Sudhir's interest. So both were quite glad when Sudhir got up to home to his mother visited each other often. Tilak and Sudhir never did. They just did not have anything in common. सुधीर यानी कि सुधीर की फैमिली आई किसके घर पे तिलक के घर पे तो सुधीर तिलक क्या किया सुधीर को लेकर अपने कमरे में चला गया
और उसके पेरेंट्स यानी तिलक के पेरेंट्स और सुधीर के पेरेंट्स ये डाइनिंग रूम में बैठ के वो लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ओके, वो लोग बात कर रहे थे। तिलक और सुधीर के बारे में पहले मैंने बताया कि सुधीर कैसा था, यानी ऐसा स्टूडेंट था जिसको कुछ मालूम नहीं, यानी कि कोई चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं था, ना गेम में वो तेज था, ना ही वो पढ़ाई स्टडी में वो अच्छा था। तिलक अपने फ्रेंड यानी सुधीर को लेकर के अपने कमरे में आता है, दोनों मतलब ज्यादा बात नहीं कर रहे, दोनों के बीच में थोड़ा सा ही क्वाइटली ग्लैड होता है, यानी एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा ही खुशी होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में, सुधीर जानता है कि तिलक काफी इंटेलिजेंट बॉय है और तिलक जानता था कि सुधीर काफी वीक बॉय है इन स्पोर्ट्स एंड स्टडी। ओके, तो दोनों चुपचाप होते हैं। तो कुछ देर के बाद सुधीर अपने पेरेंट्स के साथ वापस अपने घर चला जाता है। उसके बाद सुधीर और तिलक के घर पे कभी आता नहीं है, मतलब तो कभी आता नहीं उस टाइम से, लेकिन उसके जो मदर्स थी, दोनों की माँ यानी तिलक की माँ मदर और सुधीर की मदर क्या थी, फ्रेंड्स थी, वो लोग आपस में हमेशा मिलती जुलती रहती। ओके, वन डे व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल तिलक फेल एंड फ्रैक्चर्ड हिज लेग। This meant that he had to miss school for about 6 weeks. Laying in bed, Tilak felt very lonely and sorry for himself. During the first week, his friend came over every evening to cheer up him. But as date of cricket match approached, they had less and less time to spare from their practice. एक बार क्या होता है, फुटबॉल खेलते खेलते तिलक क्या होता है, तिलक का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, यानी उसका पैर टूट जाता है। टूट जाता है तो डॉक्टर ने उसको क्या बोलता है, रेस्ट करने के लिए बोल देता है, 6 वीक के लिए या 6 वीक के लिए वो बेड रेस्ट पर चला जाता है। बेड पर लेटे लेटे आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, तो ये बेचारा तिलक क्या था कि बेड पर लेटे लेटे बोर हो गया था। उसको मतलब कि काफी अंदर से अजीब तरह का लगता था, वो अकेले पड़े पड़े बोर रहता था। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे, तिलक के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, फुटबॉल टीम के क्रिकेट टीम के फ्रेंड्स थे, वो डेली इसके पास आते थे शाम में इसको चीयर अप करने के लिए, यानी इसके साथ निभाने के लिए, बैठ के बात करने के लिए। लेकिन जब स्कूल में क्रिकेट मैच भी था, क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट भी था, जैसे ही टूर्नामेंट का डेट नजदीक आते जा रहा था, उसके फ्रेंड तिलक का फ्रेंड उसके घर पे आना कम कर दिया और वो लोग अपने प्रैक्टिस में लग गए। अब तिलक बेचारा अकेले अपने रूम में लेटे रह मतलब लेटा रहता था और पूरा बोर मतलब बहुत ज्यादा वो बोर होने लगा था। वन इवनिंग तिलक फ्रेंड विजिटेड हिम फुल ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट द कमिंग मैच ऑन द आई हैव बीन सिलेक्टेड एज द स्कीपर्स एंड तिलक प्लेस। What a shame you can't play, they said. We really going to miss you. Tilak smiled bravely. Never mind, he said. When his friend had gone, Tilak tried to fight back his tear. He had never felt more disappointed and lonely. एक बार सामने तिलक के फ्रेंड फिर आए, तिलक के फ्रेंड उसके पास आए और ये बताने के लिए कि तुम इस बार क्या हुआ, फिर से तुम स्कीपर सेलेक्ट किए गए हो, यानी कैप्टन, हमारे स्कूल में जो क्रिकेट मैच होने वाला है उसके लिए तुम स्कीपर यानी कैप्टन सेलेक्ट हुए हो तिलक। तो तिलक बोलता है कि नहीं, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे 6 वीक के लिए मुझे बेड रेस्ट दिया है। तो उसके फ्रेंड्स लोग बोलते, ओ मतलब ये बहुत दुख की बात है कि तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे, हम लोग तुम्हें बहुत याद करेंगे। तो ये बोलता है, तिलक बोलता है अपने फ्रेंड्स को, कोई बात नहीं, मेरे बदले कोई और कैप्टन बन जाएगा, तुम लोग अच्छे से खेलो। इतने बोलने के बाद सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। बेचारा तिलक बहुत अपसेट होता है, पूरा बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है और काफी अकेले अपने रूम में ही लेटा रहता है। Suddenly his mother came into the room. A visitor for you, Tilak. She said it was Sudhir. He came forward shyly and sat down on chair near Tilak's bed. I have brought you a book to read, he said. You must be getting bored laying in bed. Tilak picked a book without much interest. He didn't feel like reading. However, the Tilak cover high coughed his eye. अचानक वो लेटा रहता है बेड पर, तो उसकी माँ आती है। तिलक की माँ आती है और बोलती है कि तुमसे मिलने कोई आया है। पता है कौन आया है? सुधीर आया है तुमसे मिलने के लिए। सुधीर बहुत शर्मीला लड़का था, बहुत वीक था स्पोर्ट्स एज वेल एज स्टडी। तो आता है बेचारा शर्मीला शर्मीला होकर के आता है और तिलक के पास, तिलक के बेड के पास एक चेयर होता है, उसी चेयर पे वो बैठ जाता है। बैठे बैठे उस तिलक सुधीर बोलता है तिलक से कि मुझे मालूम है कि तुम बेड पे लेटे लेटे बोर हो गए होगे, मैं तुम्हारे लिए एक बुक लाया हूँ, इंटरेस्टिंग बुक लाया हूँ ताकि तुम पढ़ोगे, ताकि और तुम्हारा लोनलीनेस क्या होगा, कम हो जाएगा। नाउ देयर आर सम हार्ड वर्ड मीनिंग्स। ओके, द फर्स्ट इज ब्राउ मीन्स लाया, क्लीन मीन्स चढ़ना, सुन मीन्स जल, अगेन फिर से, कब मीन्स चीते का बच्चा, शेर का बच्चा, ओके लाइन के बच्चे को हम लोग कब बोलते हैं, फाउंड मीन्स पाया, बेस्ट सेलर ज्यादा जो बुक बेचने वाले जो लोग होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बेस्ट सेलर। ओके, नाउ तिलक पिक्ड अप द बुक विदाउट मच इंटरेस्ट बट डिडंट फील लाइक रीडिंग। हाउएवर द कवर
caught his eye. It was the picture of beautiful snow white cheetah called Peepa. He opened the book. It was full of photographs of Peepa and her cubs. The little ones were shown climbing tree, playing, even enjoying a cold drink out of a bottle with straw. It good book. So they think, I think you will do like it. He then got to go. Don't go soon, said Tilak. Tell me about the book. Tilak ने क्या किया? सुधीर जो उसको book दिया, एक book लाकर उसको दिया, तो तिलक समझ गया कि ये उतना interesting बच्चा लड़का नहीं है, तो ये book क्या लाया होगा? Interesting book नहीं लाया, कोई boring book ही लाया होगा. तो ये book को बिना interest किए ही उठाता है. तो देखता है कि book के ऊपर एक चीते का picture बनाया हुआ है, जिस चीते का नाम इसमें लिखा हुआ क्या? पीपा. चीते का नाम क्या लिखा हुआ इसमें? पीपा लिखा हुआ. उस चीते का लियोपार्ड का एक पिक्चर बना हुआ है. तो खोल के देखता है, तो खोल के देखता है उसमें मानी काफी बहुत अच्छा फोटोग्राफ्स वाला बुक था, फोटोग्राफ टाइप का बुक था. यानी इसमें वैसे बुक्स जिसमें ज्यादातर फोटोग्राफ्स ही होते हैं, तो वैसा बुक था. तो देखता है उसमें बहुत सारे बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ हैं, चीता का है, उसके कब्स का है, घूम वो चढ़ रहे हैं पेड़ पर, उस तरह का बहुत सारे फोटोग्राफ था अबाउट चीता, दैट नेम वाज पीपा. ओके, पीपा के बारे में. तो वो बुक खोलता है तो देख उसको बहुत अच्छा लगता है. तो बोलता है तिलक, मुझे यह बुक बहुत अच्छा लगा. तो सुधीर बोलता है, हाँ मुझे मालूम है तुम्हें यह बुक बहुत अच्छा लगा होगा, तुम इस बुक को पढ़ो, तुम बहुत बोर हो रहे होगे, इसलिए मैंने तुम्हें यह बुक दिया. तो सुधीर जाने लगा, अपने घर वापस जाने लगा, तो तिलक उसको बोला कि रुक जाओ, अभी मत जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ, तुम मेरे पास बैठो और ये बुक का जो स्टोरी है मुझे बताओ. क्योंकि वो स्टोरी का बुक नहीं था, वो सिर्फ उसमें फोटोग्राफ था. ओके, स्टोरी कुछ मतलब एक रिटन स्टोरी उसमें नहीं था. सुधीर सैट डाउन अगेन. ही टोल्ड तिलक द पीपा वाज फुल फॉर्म ऑफ द टाइम, फ्रॉम द टाइम सी वाज अ कब टिल सी हैड लिटिल कब ऑफ देयर ओन. व्हेन पीपा वाज ओनली अ फ्यू वीक्स ओल्ड सी वाज प्रेजेंटेड टू अ कपल कॉल्ड जॉर्ज एंड जॉय एडमसन. हु वर दे? तिलक आस्क्ड. जॉर्ज एडमसन वाज अ कीपर ऑफ द गेम सैंक्चुरी इन अफ्रीका. Sudhir told him that Adamson's brought a pipa and it is Joy Anderson who has written the book about her. Sudhir उसके पास फिर से बैठता है. Sudhir उसके पास तिलक के पास फिर से बैठता है. तो बोलता है कि इस बुक में जो एक जो पिक्चर जो देख रहे हो एक चीता का नाम इसमें पीपा है. जब पीपा कुछ छोटा ही था, बहुत छोटा था, तो वो दो लोगों को मिला था जिसमें दोनों का नाम इसमें है जॉर्ज और जॉय. इन दोनों को वो मिला था. कौन? पीपा. पीपा उन दोनों को मिला था. तो वो सुधीर बताता है कि जब वो मिला था तो वो काफी छोटा था, कुछ मन ये कुछ बिग का ही था, तो उसको अपने घर बुलाते थे. तो तिलक बोलता है कि ये जॉय और जॉर्ज ये कौन थे? तो सुधीर बताता है कि जो जॉर्ज है वो एक सेंचुरी, इसमें एक वर्ड है, ठीक है, सेंचुरी. दैट मीन्स क्या होता है? एक प्लेस होता है वेयर, जहां पर ढेर जू, आप लोग देखो ना, जू को ही जू टाइप का ही होता है सेंचुरी. यानी तिलक बताइए, सुधीर बताता है कि जो जॉर्ज थे वो कौन थे? उससे कीपर थे, यानी कि देखभाल करने वाले थे. बड़ा सा जू है अफ्रीका में, उसका ही देखभाल करने वाले थे. उन्हीं को और उनके जो एक जॉय नाम का एक और आदमी, उन दोनों को ये जो पीपा नाम का जो चीता है वो उनको बहुत पहले मिला हुआ था जब वो छोटा था. वो उन दोनों के, वो उनके साथ, वो दोनों क्या करते थे, उस चीते के साथ हमेशा खेलते रहते थे. इट मस्ट बी फैंटास्टिक हैड चीता फॉर ए पेट, एक्सलेंट तिलक. दे हैड लायनेस टू एज द पेट एज सुधीर रियली आस्क्ड तिलक. सुधीर नॉटेड हर नेम वाज एल्सा. जॉय एडमसन रॉट द बुक अबाउट हर टू. इट्स ब्रॉन फ्री. इट बिकम बेस्ट सेलर यू नो एंड इट वॉज इवन मेड टू इन टू ए फिल्म. तो जो बुक लाया था सुधीर तिलक के लिए, उस बुक में उसी पीपा के बारे में ही लिखा हुआ था. तो बुक के वही जॉर्ज ही लिखे थे, क्योंकि जॉर्ज को वो पीपा नाम का एक वो चीता मिलता है. तो जॉर्ज ही क्या करते हैं, बताता है सुधीर कि जॉर्ज ने ही क्या लिखा, तो पीपा के बारे में एक स्टोरी लिखा था जो इस बुक में ही है. ओके, तो तिलक काफी चौंक जाता है, बोलता है चीता को कैसे पालतू बना दिया गया, यानी चीता को पेट कैसे बना दिया गया. तो बोल रहा सुधीर बोलता है कि सिर्फ चीता ही नहीं, उनके पास एक शेरनी भी थी, एक लायनेस भी थी जिसको उन्होंने पालतू बनाया था. और उस लायनेस पर भी, यानी उस शेरनी पर भी जो जॉर्ज थे वो एक बुक लिखे थे, जिस बुक का नाम क्या है, जिस बुक का नाम यहाँ पे बॉर्न फ्री है. इस बुक का नाम वो क्या है? बॉर्न फ्री. और वो बुक मतलब कि बहुत ज्यादा वो ऐसा बुक भी लिखे थे जो बुक बेस्ट सेलर हो गया था, यानी सबसे ज्यादा बुक बेचने वाले वो आदमी हो गए थे अफ्रीका के. क्योंकि जब वो शेरनी पर जो बुक लिखे थे, जिस बुक का नाम क्या था,
बॉर्न फ्री, तो उस बुक, वो बुक क्या हो गया था, अफ्रीका में सबसे ज्यादा वो बुक बिका बिका था। ओके, तिलक वाज फैसिनेटेड व्हेन तिलक्स मदर पीप्ड इनटू द रूम एंड आवर लेटर शी फाउंड टू बॉयज डीप इन द कन्वर्सेशन, शी वाज वेरी हैप्पी, यू मस्ट कम फॉर मोर ऑफन सुधीर, ही सेड। तिलक गेट्स वेरी लोनली बाय हिमसेल्फ, सुधीर कैम बाय द नेक्स्ट इवनिंग एंड द नेक्स्ट सून ही बिगन ड्रॉप इन एवरी इवनिंग एंड तिलक स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड He visited his visit. Sudhir was very interesting in zoology and wildlife. तो तिलक विचार उसके मतलब कि सुधीर की बात सुनकर स्टोरी सुनकर बहुत खुश था। उतने पर ही तिलक की माँ आती है अंदर, बोलती है सुधीर से, सुधीर बहुत टाइम हो गया, तुमको अब अपने घर जाना चाहिए। सुधीर उसको बाय बोलकर, तिलक के बाय बोलकर अपने घर चला जाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि मैं अब हर रोज आऊंगा तुम्हारे घर। हर रोज तिलक यानी सुधीर तिलक के घर पे आता था, तिलक के पास आता था और सुधीर क्या करता था, उसका वेट करता था कि सुधीर आएगा, सुधीर आएगा। सुधीर काफी इंटरेस्टेड बॉय था, किसमें, उसका दोस्त चैप्टर था जूलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ में उसको काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वो सुधीर की बातें तिलक को अच्छी लगती थी और दे बिकम फ्रेंड, और वो दोनों फ्रेंड भी हो गए थे। He visited the zoo of every weekend to the watch and the animals. Tilak was also amazed and discovered Sudhir had quite a collection of animals at home, the cats, the dogs, and the baby monkey. Okay? He visited. Sudhir बताता है अपने बारे में कि मैं पहले हर सप्ताह बहुत सारे जू में जाता था और मेरे पास बहुत सारे जानवर भी हैं, जैसे कैट हैं, कैमल कैट हैं, डॉग्स हैं, owls and monkeys, मेरे पास बहुत सारे जानवर हैं। One evening, Sudhir brought the monkey with the Tilak's house. His mother got the shock and her life when the monkey suddenly jumped out from the behind and curtain, started chattering. The boys had good laugh. एक पोस्ट मतलब कि सुधीर को काफी इंटरेस्ट था, जानवरों में काफी इंटरेस्ट था, उसके पास बहुत सारे जानवर थे जैसे मंकी थे, कैट थे, डॉग्स थे। तो एक बार क्या होता है कि सुधीर तिलक के पास अपना मंकी को लेकर के आता है, अपने मंकी को लेकर के, तो मंकी काफी ये होता है फुर्तीले होते हैं, तो वो जंप कर जाता है उसकी माँ के पास, यानी तिलक के माँ के पास जंप करते, तो उसकी माँ डर जाती है, तो दोनों हंसने लगते हैं कि माँ तो बंदर से यानी मंकी से तुम डर गई। Six weeks passed quickly, the almost before he knew Tilak was out of bed and his feet again. After his first day back to school, Tilak went to the Sudhir's house. Sudhir was feeding his pet. The baby also was passing the tour. The Tilak enjoyed spending the time day with Sudhir and his animal. 6 months यानी 6 week गुजर गया, सुधीर यानी तिलक का पूरी तरह से ठीक हो गया। वो स्कूल जाने, जब स्कूल जाता था तिलक, तो सुधीर के घर पे जाता था उसको बुलाने के लिए। तो एक बार तिलक सुधीर के घर पे गया तो देखा कि सुधीर क्या कर रहा है, जानवरों को खिला रहा है, मंकी को खिला रहा है, डॉग को खिला रहा है, और उसके कंधे पर आउल बैठी यानी उल्लू बैठी हुई है, तो उसको काफी अच्छा लगता। तिलक भी वहाँ सुधीर के घर पे घंटों बैठ करके जानवरों के बारे में बात सुनता रहता था, जानवरों को देखते रहता था और जानवरों को खिलाता भी था जिसको सुधीर ने पाला था। How strange, Sudhir's mother and you should have been friends, and now Sudhir and I. Pals Tilak said to his mother that night. His mother smiled. You must thank the poor, your poor broken leg and friendship. You said, I know, grand Tilak, but I hope I don't break the leg each time I make a new friend. वो बोलता है, तो उसकी माँ दोनों की दोस्ती देख करके काफी खुश होती है और तिलक से बोलती है, तुम अपने टूटे हुए पैर को थैंक्स बोलो, क्योंकि तुम्हारा पैर टूटा हुआ था तभी सुधीर तुम्हारे पास आया और तुम्हारी दोस्ती हो गई। तो तिलक बोलता है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे पैर टूटने पर मुझे एक अच्छा फ्रेंड मिला, मुझे एक इंटरेस्टिंग फ्रेंड मिला, अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरा हर बार मेरा एक एक पैर टूटता मेरा पैर टूटता रहे, ताकि मुझे हमेशा एक एक फ्रेंड मिलता रहे। ओके, दिस वॉज आवर स्टोरी एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी स्टूडेंट। In this chapter, there are question answer, TV correct answer. Okay? मैं इन सबको बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। And your homework is remember these word meanings. Okay? Read this chapter again and watch this video again. Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day.